मम्मी जी भी आ गए। ओ कैसा लग रहा है कनाडा में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। किधर वेलकम टू कनाडा सबको सबको हमको भी। मम्मी जी उनको एयरपोर्ट से पिक करने के बाद हम लोग फिर थोड़ा उनको ऐसे ही बाहर टिम हॉर्टन्स वगैरह ले गए क्योंकि वो तो ट्रेडिशन है कनाडा का। और उसके बाद हम घर आ गए थे पर मम्मी जी उन जेट लैग सा फील कर रहे थे तो हमने कहा कि नहीं भाई सोना नहीं है तो चलो फिर हम रूज हिल घुमा के लाते हैं। तो फिर उसके बाद हम रूज हिल आ गए थे। रूज हिल गो स्टेशन के पार्क में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। कूल ब्रीज और ग्रीनरी के बीच ओंटारियो लेक की वेव दूर तक नज़र आ रही थी जो सीन को और भी पीसफुल बना रही थी। हम लोग पेड़ों के नीचे बैठ के मम्मी पापा की स्टोरी सुन रहे थे। इंडिया में उन्होंने हमें कैसे याद किया, क्या क्या किया, वो सुनते सुनते मतलब एक अलग ही माहौल बन गया था। इट वॉज वन ऑफ दोज मोमेंट जो हमेशा याद रहेंगे, सिंपल पर दिल से। अब तुम मैं तुम्हारी खींच रही, तुम फोन नहीं रख रहे। लेक है, लेक लग रहा है, ये लग रहा है सी होगा पूरा, पर ये टोरंटो लेक है। ये लग रहा है सी, ये सी लग रहा है ना पूरा, जहां तक देखो कितनी बड़ी लेक है ये। इसके अलग अलग एरियाज हैं। मैं तो कह रहा तुम्हारा बाप पापा जी तो अभी गढ़वाल जाके आए हैं।